दर्शक हमारे साथ गौरव यादव जी हैं, कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल सर, आरबीएनएल में 570 की बाइंग 80 शेयर हैं, अभी एवरेज कर लें या फिर और नीचे गिरने की गुंजाइश है, उसका वेट करें, 6 महीने का इनका नज़रिया है। इसी के साथ साथ हमारे एक और दर्शक हैं अनवर शेख साहब, वो कह रहे हैं कि तनाव से केवल समस्या ही जन्म लेती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। तो इस तरह के बाजार में भी लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं। इनका प्रश्न IRFC पर है और इन्होंने 82 पर ले रखे हैं IRFC, और भी ऐड करना चाह रहे हैं, आपकी राय जानना चाह रहे हैं। दो शेयर हैं सर रेलवे के, RVNL और IRFC। रेलवे में कुछ गुंजाइश अभी लग रही है या अभी ये और टूटते हुए दिखाई देंगे? 442 के आसपास ये शेयर अभी अगर हम देखें तो RVNL का शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्होंने 570 पे लिए हुए हैं। पहले तो RVNL पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। तो देखिए आरबीएनएल, अब ये अगर मान लीजिए आपके पास थोड़ा रिस्क एपेटाइट है, आपको लगता है थोड़ा रिस्क आप ले सकते हैं, तो 410 का स्टॉप लॉस रखिए, फ्राइडे टू फ्राइडे देखिएगा। 410 का जो सप्लाई डिमांड जोन है, अगर वो टूट जाए तो आपका लॉन्ग निगेट हो जाता है, आप स्टॉप आउट हो जाएंगे, अदरवाइज आप इसको खरीद सकते हैं। बुलिशनेस आएगी जैसे ही 510 के ऊपर स्टॉप चलना शुरू करेगा, मुझे लगता है स्टॉक के अंदर बुलिशनेस आनी चाहिए या आने वाले समय में इसमें बड़ा मूव ड्यू है। मुझे लगता है धीरे धीरे 640 755 तक जाएगा, अगर आप 6 महीने का समय देंगे तो 410 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल आप उसमें लॉन्ग रहिए।